कोरोना संक्रमण शहर से ज्यादा सबसे ज्यादा गांव में भी पांव पसारने लगा था, और जिसके बाद गांव के लोग काफी ज्यादा वैक्सीन लेने के लिए भी पहुंच रहे थे और कई बार उन्हें जागरूक भी किया गया। लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस तरह से शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गया और वहां पर जागरूक के लिए लोगों को कहा गया कि जो प्रतिनिधि हैं जिस गांव के, वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कोरोना के संक्रमण को लेकर के जागरूक करें, उन्हें वैक्सीन के लिए जागरूक करें। लेकिन कई बार एक ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई जो समाज को कलंकित कर रही है। एक बार फिर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक सरपंच की वीडियो है। सरपंच जी इस वीडियो में खूब ठुमके लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नशे में, शराब की नशे में वो एक बारात में एक भोजपुरी गाने पर खूब ठुमक रहे हैं। बता दें आपको कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण चल रहा है और लगातार लोगों को जागरूकता की बात की जा रही है, क्योंकि हर जगह जागरूक किया जा रहा है लोगों को, तो जहां पे जागरूक की जिम्मेवारी जिन लोगों को दी जाती है, अब वही लोग समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच जी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जी हां इस कोविड के दौर में मुझसे गलतियां जरूर हुई हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह से डांस किया है, मैंने वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। हालांकि ये वीडियो जो है 6 जून को का बताया जा रहा है, और 6 जून को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के दरमियान जो गाइडलाइंस आए थे उसमें कहा गया कि जो बारात होंगे, जो शादी समारोह होंगे, उसमें कई कम लोगों के आने की बात की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि डीजे जो है वो नहीं बजेगा। हालांकि अब एक अच्छी खबर बिहार से निकल के आई कि बिहार को अब अनलॉक कर दिया गया है, यानी अब धीरे धीरे तमाम पाबंदियां खुल रही हैं, सिवाय अब बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी आने वाले 15 जून तक सुबह में नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन जो तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं वो पहली दफे नहीं, कई दफे निकल के सामने आई है, जो कहीं ना कहीं समाज पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें बताया जा रहा है कि सुपौल के जदिया थाना क्षेत्र के कोरिया पट्टी पश्चिम पंचायत के वर्तमान सरपंच कपिल देव यादव एक शादी समारोह में बैंड बाजे में भोजपुरी गाने पर डांसर के साथ ठुमके लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार सरपंच शराब के नशे में भोजपुरी गानों पर डांसर के साथ ठुमके लगाने वाला यह वीडियो 6 जून की रात का है, और सरपंच साहब अपनी भतीजी की शादी समारोह में डांसर के साथ भोजपुरी गानों पर खूब ठुमक रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर जब सरपंच कपिल देव यादव से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि भतीजी की शादी में था, उसी में थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। महामारी के दौरान मुझसे यह गलती हुई है, समाज में सब माहौल में रहना पड़ता है। इस दौरान डांस में मशगूल सरपंच साहब यह भूल गए कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन लागू है, और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना और लोगों से सोशल डिस्टेंस में रहना जरूरी है। लेकिन सरपंच साहब डांसर के साथ लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने में मस्त है। इस दौरान सरपंच साहब कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के खतरे पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय सभी नियमों की बखूबी धज्जियां उड़ाते नजर आए। अब सवाल उठता है कि इस समय कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा बढ़ गया है, और एक जिम्मेदार पद पर पदासीन जनप्रतिनिधि सरपंच कपिल देव यादव की इस हरकत ने समाज और सरकार दोनों को मुंह चिढ़ाने का काम किया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जब जदिया थाना अध्यक्ष राजेश कुमार से मामले पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले को लेकर महामारी एक्ट और नियम के उल्लंघन के मामले में वरीय अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के आधार पर डांसर के साथ डांस कर सरपंच कपिल देव यादव और आसपास मौजूद अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।